व्हाट्सएप 12 30। तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आगे आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये समझना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा नाम वैसा काम, मतलब यहां क्या होगा बेटा, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एबीसी पार्टनर्स थे 3:2:1 में। अब किसी भी वजह से आपसी में कोई डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो नई रेशियो करेंगे 1:1:1। डिस्प्यूट कोई भी वजह से हो सकता है, हो सकता है सी बोले मेरे को बहुत कम मिल रहा है, बी बोले मेरे को बहुत कम मिल रहा है, तो डिस्प्यूट हो गया इस मामले पे। या हो सकता है कोई एग्रीमेंट हो, सी बोला भाई मेरी वजह से बहुत फायदा हो रहा है, तो क्या रीजन है, हमको रीजन पे नहीं जाना। बोलो पहले पॉइंट क्लियर हुआ। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझ आया, यस और नो? यस। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम गुडविल पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था एक वर्ड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, याद है किसी को? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल, जब पार्टनरशिप में पुराना एग्रीमेंट क्या हम कर दे, खत्म कर दे और नया एग्रीमेंट बना दे, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ये कब कब होता है बेटा? ये होता है पहला आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूट यानी रिकंस्ट्रक्ट करना, फर्म को दोबारा बनाना, यानी पुराना एग्रीमेंट फाड़ दो, नया एग्रीमेंट तैयार कर दो। दूसरा एडमिशन में कि कोई पार्टनर आ गया। तीसरा रिटायरमेंट में कि कोई पार्टनर चला गया। और चौथा डेथ में, कोई पार्टनर मर गया, ये तब होता है। बोलो यहां तक क्लियर? वैसे आपके आगे एक्चुअली चैप्टर्स के नाम है। एक और भी होता है, एक और बता देता हूँ, जबकि वैसे बुक्स में नहीं है, सिलेबस में, वो है अमैलगमेशन। अमैलगमेशन मतलब दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स क्या हो गई, मिल गई। जैसा नाम सुना होगा हीरो होंडा, सुना नाम किसी ने? ठीक है, तो अमैलगमेशन क्लियर हो गया, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलेंगे। जैसा आपने नाम सुना था हीरो होंडा, इसके अलावा आपको एक और केस बता रहा हूँ। आपने नाम सुना था क्या बोलते हैं, महिंद्रा और रेनॉल्ट, दो अलग अलग कंपनीज है ना। जब रेनॉल्ट इंडिया में आई थी वो महिंद्रा के साथ मिली थी, तो नाम बना था महिंद्रा रेनॉल्ट। मारुति सुजुकी, बेस्ट एग्जांपल दिया। तो बोलो पॉइंट क्लियर है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये चार चैप्टर हमारे सिलेबस में है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियोज के रिगार्डिंग। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। देखो, अगर रेशियो में चेंज आ रहा है तो किसी को तो फायदा होगा, किसी को घाटा, यस और नो? भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एक मैं बोलूं रोटी के टुकड़ी की तरह है, या रोटी है या पिज्जा है। भाई कोई ज्यादा खाएगा तो ऑब्वियसली दूसरे को कम मिलेगा। बोले यहां तक क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रेशियोज के ऊपर है, सबसे पहला रेशियोज के ऊपर है। अभी देख फॉर्मूला लिख लो सबके सब, सैक्रिफाइसिंग शेयर ये होता है बेटा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये क्या चीज है अभी बताते हैं। याद करने का टेक्निक है सन, SON, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। या आप चाहो तो एक और भी याद कर सकते हो, गेनिंग शेयर हो सकता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। याद करेंगे GNO। वैसे तो इस चैप्टर में हम यही यूज करेंगे, इसको हम चाहे इग्नोर कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्यों, क्या, कैसे, आइए इसको समझते हैं। लिख लिया था अभी पिछला, ओके। मैंने अपना क्वेश्चन पिक करा है, सैम स्पेशल वन। क्या है बेटा, ABC पार्टनर्स थे किसमें, 2:3:4 में, ये उनकी पुरानी रेशियो थी। फिर उनकी न्यू रेशियो हो गई 1:1:1। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट करिए गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर, कि भाई किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। रेडी? फॉर्मूला कौन सा यूज करूं बेटा, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लेना, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, जिसका आपका मन करे। हम सैक्रिफाइसिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर का, बेटा फॉर्मूला क्या होता है सुनाइए सबके सब। बिल्कुल सही कहा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब
निकालते ए का, कि ए को कितना घाटा हुआ। देखो ए का ओल्ड था 2/2, 3, 5, 5/4, 9 2/9 माइनस न्यू, न्यू कितना है 1/3, सॉल्व करना आता है 309 कैल्सियम 9, 2 - 3 -1/9। एक बात सुन लो, अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब पार्टनर क्या हो रहा है, गेन। क्या हो रहा है पार्टनर को बेटा, गेन। पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, फिर बी का निकालिए, बी का ओल्ड क्या था 3/9 माइनस न्यू 1/3 कितना आएगा 3 - 3/9 0, यानी बी को ना फायदा ना घाटा। सी का निकालिए बेटा 4/9 - 1/3 9 4 - 3 1/9 यानी सी को क्या हो रहा है सैक्रिफाइस, भाई सी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ट्राई करो राइट नाउ। चलिए अब इसको जरा देखते हैं, एबीसी की ओल्ड रेशियो क्या थी 5:3:2 न्यू है 1:1:1 कैलकुलेट करना है बेटा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। रेडी, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला पता है क्या, ओल्ड माइनस न्यू, तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं सबका। एक ना वर्ड होता है रेशियो, एक होता है शेयर, अभी डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। देखिए ए का निकालिए, ए का ओल्ड था 5/10 न्यू है 1/3 सॉल्व करो 30 15 - 10 कितना आया बेटा 5/30 मैंने कट नहीं करा जान पूछ के। बी का निकालिए, बी का है 3/10 - 1/3 9 - 10 -1/30 माइनस का मतलब गेन, माइनस मतलब हो गया गेन। सी का निकालिए बेटा 2/10 - 1/3 30 4 - 10 एक मिनट 6 - 10 -4/30 गेन, यानी ए को तो घाटा हो रहा है और बी और सी को गेन हो रहा है। यहां तक क्लियर। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर तो निकाल लिए, इसका तो हो गया गेनिंग शेयर, इसका भी गेनिंग शेयर, इसका सेक्रीफाइसिंग, बट मैंने आगे एक और चीज लिखी है ऑल्सो कैलकुलेट गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अगर आप डीके गोयल खोलेंगे, मैं आपको बता दूं डीके गोयल के अंदर उन्होंने क्या वर्ड यूज करा हुआ है, वो यहां पर सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं बोलते, बोलते सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप बुक खोल के देखना आपको यही मिलेगा, टीएस यूज करते हैं शेयर, करेक्ट वर्ड बेटा शेयर है, रेशियो शेयर में क्या फर्क है बता रहा हूं। रेशियो बेटा क्या होगी, रेशियो एक बंदे के साथ नहीं होती, रेशियो के लिए कम से कम 2 या 3 लोग चाहिए। इस तरह देखिए गेनिंग, यहाँ पे एक साथ गेन करने वाले कितने हैं 2, कौन कौन है बेटा बी और सी, तो यहां बनेगी गेनिंग रेशियो, क्या बनेगी बेटा गेनिंग रेशियो बी और सी के बीच में। इसको दोबारा समझ लो, गेनिंग रेशियो, भाई रेशियो के लिए 2% चाहिए कम से कम, तो क्या होगा बी का कितना है 1/30 सी की 4/30 तो ये क्या हो गया बेटा 1:4 ये आंसर हो गया। बोलिए पॉइंट क्लियर, यस और नो, कंफ्यूजन 1:4 कैसे बना, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम है 1:4 तो आंसर आ जाएगा ये क्या 1:4 ये आंसर हो गया। बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर। ओके अब एक ये क्वेश्चन है, क्या है ये देखते हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं 5:3:2 में, अब ध्यान से पढ़िए, फ्यूचर शेयर ऑफ बी विल बी 1/4 बी का फ्यूचर में कितना शेयर होगा, यानी फ्यूचर में बी 1/4 अपने पास रखेगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट करिए बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैसे करेंगे। मैं आपको ना इसको कोरिलेट करने के लिए, बिल्कुल सही कहा, जिन्होंने पढ़ा हुआ ऑलरेडी उनको पता है, मैं इसको कोरिलेट करने के एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लो ये क्या है, एक पिज्जा का पीस है, क्या है, अब हमारे कुछ ऐसे पीस थे, लेट सपोज
कितने हो गए, 8 पीस हो गए ना। मान लो एक पर्सन खा रहा था 4, एक खा रहा था 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 है, तो 4 3 3, मान लो 2-3 बंदे थे, 4-3-3 में खा रहे थे, राइट। अब अचानक से मान लो ए कहता हूँ, ए बी सी, सी सी फॉर छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जिद पकड़ गया कि मेरे को 3 नहीं खाने, मेरे को तो 6 पीस खाने। अब आप प्रैक्टिकली बताओ आप लोग क्या करोगे, खुद बताओ। अगर घर में छोटा भाई बहन हो, वो जिद पर अड़ जाए, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो इतना चाहिए, आप क्या करोगे, क्या बोलोगे, पहले तू खा ले, प्रैक्टिकली यही करोगे नहीं करोगे, सच सच बताओ। सेम बेटा बी ने करा, क्या करा इसको समझो। बी कहता है भाई मेरे को कितना चाहिए, 1/4 चाहिए, तो क्या करो सबसे पहले बी को दे दो, जा तू 1/4 ले ले। अब ये बताओ जो बाकी का है वो किसके लिए रह गया, बाकी के लिए, बाकी कौन है, ए और सी के लिए। भाई बी ने बोला 1/4 चाहिए मेरे को, ले ले, बाकी रह गया ए और सी के लिए। यहां तक क्लियर? सवाल ये है मेरा, ए और सी के लिए बचा कितना, जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उसके लिए बता दूं, 3/4। भाई कैसे, 1/4 का मतलब क्या होता है, बेसिक मैथ्स है, 4 टुकड़े, एक टुकड़ा कौन ले गया, बी, 1/4, तो कितने टुकड़े रह गए इसके लिए, 3, यानी 3/4। पहले पॉइंट क्लियर, कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अब होगा कैसे वो बताते हैं, मेरे को सिर्फ ये कोरिलेट कराना था कॉन्सेप्ट से। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले बी को दे दिया, और बाकी का शेयर कौन लेगा, ए और सी। बाकी के शेयर को हम बोलते हैं बेटा रिमेनिंग शेयर, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग शेयर। कैसे निकालते हैं, बचपन से सीखते हुए हैं, 1 - 1/4, 1 में से माइनस कर देना बी के शेयर को, कितना हो गया बेटा, 3/4। अब ये 3/4 कौन बांट लेगा आपसी में, ए और सी, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, यानी 5:2 में। बात समझ आई, 5:2 में ए और सी बांट लेंगे, किसको, 3/4 को। सिंपल है, कैसे बांटूंगा, अगर लेट सपोज ये 3/4 की जगह, ध्यान से सुनना, ये 7,000 रुपये होते हैं, और आपको मैं बोलता बेटा इसको 5:3 में, 5:2 में बांटना है, क्या करते है? कैसे निकालते, आप सिंपली 7,000 × 5/7 करते, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, 7,000 की जगह इस बार क्या है मेरे पास बांटने के लिए, 3/4। बोलो बात समझ आई, आया ना, ठीक है। तो अब ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, ए इज न्यू शेयर, कितना हो जाएगा सर, 3/4 का कितना, 5/7, कितना हो जाएगा सर, कैलकुलेट कर दो, 15/28। सी का निकाल दो, सी इज न्यू शेयर, 3/4 × 2/7, कितना हो जाएगा सर, 6/28, क्लियर, 5/7 कैसे बेटा, एक मिनट, बच्चे का 5/10, 5/10 कैसे बोला, ए और सी बांट रहे हैं आपसी में, ए का कितना है 5, सी का कितना है 2, तो बेटा 5:2, पॉइंट क्लियर। 10 कब होता, अगर बी भी शामिल होता, बोलो पॉइंट क्लियर, हाँ या ना। तो ए का आ गया 15/28, सी का आ गया 6/28। अब न्यू पीएसआर, एनपीएसआर निकालते हैं ए बी सी की। ए का न्यू शेयर बेटा 15/28, बी का कितना है 1/4, सी का 6/28। रेशियो के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम, 28, कितना हो जाएगा सर, 15/7/6। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 बन जाए, 7, तो 7 ऊपर भी करेंगे, 7 नीचे भी, क्या बनेगा, 15:7:6। बोलिए बेटा यहां तक क्लियर, यस और नो, ठीक है। अच्छा मैंने आगे और क्या लिखा, ऑल्सो कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैसे निकालते हैं सर, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर का वही, ओल्ड माइनस न्यू, हां जी, ए का निकाल लो, ए का ओल्ड कितना है,
ओल्ड कितना है का 5/10, न्यू कितना है 15/28, 5/10 माइनस 15/28, एलसीएम ले लो कितने पे जाएगा बेटा ये 140, 140 पे होगा पहले बता रहा हूँ। तो 14 × 5 = 70 माइनस 15 × 5 = 75, क्या कैलकुलेशन सही आ रही है एक बार चेक कर लेते हैं। 140 और ये 28 × 5 140 माइनस 5/140, यानी ए को क्या हो रहा है बेटा गेन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है ए को गेन। बी को निकालते हैं, बी का था 3/10 यही था और न्यू है 10/28, 140 14 से कर दो 42, 5 से कर दो 35, यानी 7/140, यहाँ तक क्लियर ओके। अब सी का निकालिए 2/10 माइनस न्यू कितना है सी का 6/28, 140 14 × 28 = 6/30 माइनस 2/140, यानी गेन। यानी इसमें क्या हो रहा है इसमें बेटा, इसमें दो बंदों को गेन हो रहा है और एक को सेक्रीफाइस। तो गेनिंग यहाँ पे कौन सी रेशियो निकलेगी, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग? गेनिंग रेशियो, क्योंकि रेशियो के लिए कम से कम 2% चाहिए। गेनिंग रेशियो किसके बीच में, ए और सी के बीच में। ए का क्या हो जाएगा 5/140 और सी का 2/140। अब एक जादू दिखाऊंगा, जादू 5:2। आप बोलो सर जादू क्या, मैं कहा ऑलरेडी ये निकली हुई थी, जिस रेशियो में बांटा था वही रेशियो में, वही रेशियो क्या होगी ऑटोमेटिकली गेनिंग ही आई। पॉइंट क्लियर, बाकी मेरा सजेशन रहेगा इस वे से कर ले ज्यादा बेटर रहेगा, क्लियर। इसी के ऊपर बेस्ड एक आपका क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2 टीएस ग्रेवाल का, ट्राई करके देख लीजिए। आइए बेटा अब चेक करिए अपने स्टेप्स क्या कहता है। इलस्ट्रेशन 2 है टीएस ग्रेवाल का, ललित मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बेटा ललित मुकुल चेतन पार्टनर्स हैं इक्वली, यानी 1:1:1 में। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। भाई सी को कितना मिलेगा, कहता है फ्यूचर में सी को 1/5 प्रॉफिट मिलेगा, सी विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अगेन बेटा वही कॉन्सेप्ट, क्या डिसाइड हो गया कि सी तो इतना प्रॉफिट लेगा, सी 1/5 लेगा, तो सी का तो फिक्स हो गया 1/5, राइट। तो बाकी का कौन लेगा, ए और बी, बाकी का अदर पार्टनर्स ए और बी कितना लेंगे बेटा 4/5। कैसे निकाला, जिनको नहीं आता उनके लिए रिमेनिंग शेयर, वन माइनस 1/5 विच इज 4/5, बोलिए यहां तक क्लियर। अच्छा जी अब ये कौन बांट लेगा ए और बी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कुछ अगर बोल दे, मान लो कल को बोल दे कि ए और बी जो होंगे रिमेनिंग शेयर लेंगे 3:2 में, मान लो लेट सपोज ये बोल दे, तो क्या करना है इसको 3:2 में बांट देना। कुछ नहीं बोला हुआ तो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो फिलहाल ये किस रेशियो में बटेगा बेटा 1:1 में, यानी अब न्यू शेयर निकालना है ए का 4/5 × 1:1 कितना हो जाता है बेटा 1/2, ध्यान रखना 1:1 का मतलब 1/2, क्लियर है ओके। कितना हो गया सर ये 4/10, बी का निकालो, बी का भी सेम ही आएगा और सी का कितना दे रखा है 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं ए बी सी, ए का है 4/10, बी का है 4/10, सी का है 1/5। कट कर दो बेटा ये 2/5, 2/5, 1/5,
तो रेशियो क्या बनी मेरी, रेशियो हो गई 2:2:1, रेशियो आ गई 2:2:1। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर, वही सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल ले, सेक्रीफाइसिंग शेयर ए का ओल्ड, ओल्ड कितना बेटा, सॉरी ए बोल दिया बेटा हमने गलती से, यहां एलएमसी था, एल और एम, यहां पर भी एल और एम, एल एस टू एम एस टू सी। अब एल का निकालते हैं, एल का ओल्ड कितना था 1/3, न्यू कितना है 2/5, एलसीएम लो 15, 5 - 6 -1/15, यानी एल को हो रहा है गेन। अच्छा एम का भी सेम आने वाला है, क्यों सेम है दोनों का 1/3 - 2/5। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सी का बिना उसके निकाल सकते हैं 2/15 आएगा, कैसे पता सर आपको, मैं पहले निकाल के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। 1/3 माइनस कितना है 1/5, 2/15, यानी इसको सेक्रीफाइस हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने कैसे निकाला बिना उसके, मैं कहा बहुत सिंपल है, मैंने क्या करा थोड़ी कॉमन सेंस लगाई। एक बात बताओ, जब प्रॉफिट एक लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिट है ना, अगर दो को घाटा है तो तीसरे को ऑटोमेटिकली क्या होगा फायदा, वही एक ही चीज के तो टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि रेशियो चेंज करी प्रॉफिट भी बढ़ गया या प्रॉफिट उतने का उतना रहा, सेम रहा ना, तो अगर दो बंदे को घाटा हो रहा है तो तीसरे को ऑटोमेटिकली फायदा ही होगा। दोनों का घाटा कितना था 1/15, 1/15, दोनों का फायदा कितना था 1/15, 1/15, तो दोनों का कितना हुआ मिला के 2/15। एनीवेज यहां तक क्लियर। अच्छा मैं आगे एक वर्ड ऐड करूं, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकलेगी गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग, बिल्कुल सही कहा, कैसे निकलेगी गेनिंग रेशियो सर, क्योंकि दो पार्टनर्स को गेन हो रहा है, कौन है एल और कितना 1:1, पॉइंट क्लियर। ओके चलो सेशन नंबर 3 आइए पढ़ते हैं, क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर है, ऑनलाइन में जो चाहे वो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है 5:3:2 में कैलकुलेट करना है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अच्छा जी इसका जो मैंने कराना है आपको केस 1, 2 और 5, केस 1, 2 और 4, 5 नहीं करा रहे, 5 बोल गया मैं। तो पहले केस 1 की बात करते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है बेटा 5:3:2 में, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। एग्रीमेंट कहता है कि जेड क्या करेगा 1/5 ले लेगा, किससे ले लेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए नोट है, आइए बेटे कुछ वर्ड मीनिंग्स बता रहा हूं जो काम आएंगे आपके, नोट एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है बेटा सीधा माइनस, अगर वो बोल रहे हैं एक्स टेक्स शेयर फ्रॉम वाई, इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है सीधा सीधा वाई से ले लेगा, तो फ्रॉम में क्या होता है सीधा मेरे को माइनस कर देना। एक होता है ऑफ, ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। अब आप बोलोगे मतलब सर कहना क्या चाहते हो, अच्छा माइनस स्लैश प्लस, ये बताऊंगा ये माइनस स्लैश प्लस क्या चीज होती है बताते हैं, रेडी थोड़ी इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, एग्रीमेंट के तौर पे जेड क्या करेगा 1/5 एक्स में से ले लेगा, यानी यानी एक्स वाई जेड जो ओल्ड पार्टनर्स थे 5:3:2 में,
x क्या कर रहा है, x takes one fifth from, sorry, x नहीं, z takes one fifth from x, z one fifth ले रहा है, x में से 1/5 निकाल रहा है, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली माइनस कर दो, यानी अब जो नया शेयर होगा x का वो क्या हो जाएगा, 5/10 माइनस 1/5, क्लियर? कितना होगा सॉल्व कर दो बेटा, ये x का शेयर सीधा फ्रॉम में क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस, अगर जो दे रहा है उसमें से माइनस करते हैं, जिसको मिल रहा है उसमें डायरेक्टली प्लस, बात समझ आई? फ्रॉम में क्या होता है, जो दे रहा है उसमें से माइनस और जिसको मिल रहा है उसमें डायरेक्टली प्लस, 5/10 माइनस 1/5, एलसीएम कर दो 5, तो आपको 3/10, यानी x का इतना शेयर आ गया, क्लियर? अच्छा जी, फिर y के शेयर में कोई चेंज नहीं आया, y का तो एज इट इज रहा 3/10, z को भाई मिल रहा है 2/10 प्लस 1/5, एलसीएम लो 10, ये हो जाएगा 4 होगा बेटा, 5/10 कैसे 4 होगा, तो इनकी NPSR क्या होगी, देखिए NPSR होगी 3/10 4/10, यानी 3:3:4 हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन ने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात, आप फॉर्मूले से सैक्रिफाइसिंग निकाल के देखो, आपका यही बनेगा, x घाटा खाएगा और y फायदा, भाई सिंपल सी बात है, x इतना छोड़ रहा है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता, ये पिज्जा वाला जो हमने पहले लिया था, लेट से एक पर्सन के पास 4 है, एक के पास 3 है, एक के पास 3 है, ये लेट सपोज, अब मैं कह रहा हूं इसमें से x y z में से x जो है अपने दो पीस छोड़ रहा है, किसके लिए, z के लिए, यानी x में से 2 माइनस और z में क्या हो जाएंगे 2 प्लस, अब खुद बताओ x ने घाटा कितने का खाया, 2 का खाया या ज्यादा का खाया, 2 का, जितना का x ने अपने उससे दे दिया, तो x ने कितना अपने में से माइनस कर दिया 1/5, आगे चलते, तो यानी यहां पर वैसे सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना हो जाएगा x का, x का हो जाएगा 1/5, ठीक है, y ने कुछ घाटा खाया नहीं ना कुछ फायदा खाया, z का हो जाएगा गेनिंग 1/5, z को गेन हो जाएगा, क्लियर? अब केस टू पे आते हैं, एज पर न्यू एग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, z क्या कर रहा है, इक्वली ले रहा है किससे, x और y से, इसका मतलब देखिए केस टू कहता है z टेक्स 1/5, z 1/5 ले रहा है किससे, ले रहा है बेटा इक्वली फ्रॉम x एंड y, यानी वो 1/5 के दो टुकड़े कर रहा है, एक x का एक y का, कितना कितना 1:1 में, राइट, बात समझ आई, इक्वली ले रहा है, अगर लेट से मैं कहता एक पॉइंट क्या था नॉर्मली इसको कोरिलेट करने के लिए कि कैसे होगा, अगर मैं आपको एक टास्क दूं बेटा, मान लो z ने 40 रुपए लेने, कितने रुपए लेने 40 रुपए लेने, x और y से इक्वली लेने, कितने कितने लेता, आप जटते बोलते सर 20-20, यही बोलते ना, यही काम यहां पर भी है, कैसे निकालते आप 20-20, 40 का 1/2, बस यही चीज यहां पर भी कर देंगे हम, क्या, तो z कितना लेगा, शेयर टेकन फ्रॉम x, x से कितना हो जाएगा सर 1/5 का 1/2, यानी 1/10, और इतना ही शेयर किससे लिया जाएगा, y से, यानी x और y इतने इतने शेयर छोड़ देंगे, तो अब बेटा न्यू शेयर बताइए x का, ओल्ड कितना था x का 5/10 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा सर 4/10, y का ओल्ड कितना था 3/10 माइनस 1/10, कितना हो जाएगा सर 2/10,
जेड, जेड का 2/10। अब कितना कितना ले रहा है वो, एक्स से ले रहा है कितना बेटा 1/10, वाई से भी ले रहा है भाई 1/10 ऐड कर दो, 1/10 ऐड कर दो। बच्चा बोला सर 1/5 ऐड कर दूं, तो मैं कहा बात एक ही है, ये हो जाएगा 4/10। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, न्यू रेशियो कितनी आएगी सर 2/10 ना 4/10, 2/10, 4/10, 4:2:4 कट जाएगा, एक ही टेबल में कटना चाहिए 2 की, 2:1:2, ये होगी क्या बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, ये हुई NPSR। अच्छा जी, फिर अब गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग सिंपल सी टेक्निक है, फालतू दिमाग मत लगाना। ये बताओ यहां पर त्याग कौन रहा है, छोड़ कौन रहा है, x छोड़ रहा है और y छोड़ रहा है, कितना कितना छोड़ रहा है, कितना माइनस हो रहा है 1/10। जो माइनस होता है बेटा वो सेक्रीफाइसिंग होता है। तो सेक्रीफाइसिंग क्या निकलेगी, सेक्रीफाइसिंग शेयर या रेशियो, रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि दो बंदे छोड़ रहे हैं। x इज टू वाई का कितना 1/10:1/10, 1:1। क्लियर, केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िएगा, z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, 1/6 शेयर ऑफ y। z 1/5 शेयर ले रहा है किसका, x का, और 1/6 शेयर ले रहा है y का। देखिए केस 3, z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x, 1/6 शेयर ऑफ y, x का 1/5, y का 1/6, कोरिलेट करते हैं इसको। मान लो मैं कहता हूं x के पास 10,000 रुपए है, तो 1/10 ऑफ x कितना बनता, x के पास 10,000 है, 1/10 ऑफ x क्या होता 10,000 का 1/10। समझ नहीं आई ना, जिसको नहीं आई उसके लिए जब ऑफ आ जाए ना बेटा पहले मल्टीप्लाई करना, शेयर ऑफ x 1/5 शेयर ऑफ x, तो पहले क्या करना मल्टीप्लाई। अब z कितना कितना ले रहा है पहले देखते हैं, x से कितना ले रहा है 1/5 इंटू किसका, x का, x का कितना शेयर था 5/10, यानी x का ले रहा है 1/10, और y से 1/6, 1/6 किसका बेटा 3/10 का, कितना हो जाएगा सर 3/60। ये इतना ले रहा है, ये नया शेयर नहीं है, नया रेशियो नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, ऑफ आ जाए पहले क्या करते हैं ऑफ में मल्टीप्लाई, देन माइनस या प्लस। अब देखिए न्यू शेयर निकालते हैं एक्स का, ओल्ड कितना था सर 5/10, माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा 1/10, ये जगह 4/10। यहां तक क्लियर आया ना, y का बेटा 3/10 माइनस 3/60 कितना हो जाएगा सर 60, या काट दू रेशियो ले ले, चलो 60 ले लेते हैं एलसीएम 60, 18 माइनस 3 विच इज 15, और z का ओल्ड कितना था 2/10। अब z को तो मिल रहा है राइट, कितना कितना मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 1/10, एक मिल रहा है 3/60, एलसीएम लो 60, 12 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर 12 6 18 21। तो निकालो NPSR कितनी हुई एक्स वाई जेड की, 4/10, 15/60, 21/60, एलसीएम ले लो 60, 24, 15, 21, क्या हो जाएगा 24:15:21। किसकी टेबल में कट रहे हैं 3, चेक इट आउट क्या आंसर सही है गलत है, आंसर चेक तो कर लो 8:5:7, 8:5:7 ये बना। अच्छा जी, अब सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो बेटा छोड़ कितने रहे हैं बंदे,
कितने पार्टनर्स त्याग रहे हैं, कितना पार्टनर छोड़ रहे हैं, दो, कौन, एक्स और वाई। तो यहाँ क्या निकलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहां निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि दो पर्सन अपना शेयर छोड़ रहे हैं, कौन कौन, एक्स 1/10, वाई 3/60। सबसे पहले एलसीएम लो बेटा, 60, 6:3, ये बनेगा 6:3, ठीक है, कट जाएगा 2:1, ये आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक तो सैम स्पेशल 3 जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए वो आप कर सकते हैं, इसके अलावा इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये अब आप कर सकते हैं अपने आप।